लेकिन आज से जो पहली सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस थी या नेशनल कांग्रेस थी या और कोई सरकार थी, उन्होंने हमारी बात कभी सुनी नहीं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया उन्होंने। एक तो हमको स्कैटर्ड कर दिया पूरी रियासत में, कश्मीर से कठुआ से लेकर पुणे तक, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा। हमारी जो एक पॉलिटिकल ताकत होनी चाहिए वो कमज़ोर कर दी उन्होंने। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, जो एक पंजाब पिछले 50 साल से शरणार्थी आवाम की खिदमत कर रही है और शरणार्थी आवाम के मसाइल के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए लगातार 50 साल से जद्दोजहद कर रही है, आज आपके माध्यम से पूरे शरणार्थी आवाम की राय जानने के बाद, उनसे बात करने के बाद, एक कंसेंसस जो बनी है हमारे बीच में कि शरणार्थी आवाम का सारा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिया जाएगा, श्री जरूर किशोर जी शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया जाएगा। ऐसा करने की जो वजूहत मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि 1947 से लेके आज तक 70 साल में शरणार्थी आवाम ने बहुत बड़ी जदोबहद की, बड़ी कुर्बानियाँ की हैं, क्योंकि जो 47 के जो लोग हैं, जो हिंदू और सरदार जितने भी जैसे लोग हैं, 47 के लोग हैं, इन्होंने ही रियासत को बचाया है। हमारे 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, हमारी बहू बेटियाँ आज भी पाकिस्तान में रह गई, लेकिन 70 सालों में किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे या वो नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, इन सरकारों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कभी कोई हमारे कोई मसाइल को हल नहीं किया और हमको बहुत दर दर किया इन्होंने 70 सालों में। और पहली बार कोई सरकार जो सेंटर में आई जिसने हमारे मसाइल को समझा और उन्होंने महसूस किया इनके मसाइल जो हैं वो जेन्युइन हैं, वो उनको हल करना चाहिए, और इसी नुक्ता निगाह से, नज़रिया से उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया उन्होंने कि जब तक बाकी मसाइल को अच्छे ढंग से, उसका कोई रोड मैप नहीं बनता और अच्छे ढंग से परफेक्ट तरीके से उसको वो हल नहीं करते, तब तक उन्होंने हमको ये एक रिलीफ दिया है। 5.5 लाख प्रति परिवार जो दिया है वो सभी परिवारों को मिल रहा है, जिसमें कम से कम 15,000 फैमिली को मिल गया है, अभी 5-7,000 फैमिली जो बाकी है उनको पैसा मिलना बाकी है। हम ये आपके माध्यम से एक बात, जो भी सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट भी इसी सरकार ने की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जो है इन टोटो लागू की जाए। और हम आपके माध्यम से अपने आवाम को ये अपील करते हैं कि आने वाली इलेक्शन में जो 11 अप्रैल और 18 अप्रैल को हो रही है, पूरा टाउन, सब जितने भी वोट हैं हमारे आवाम की, वो भारतीय जनता पार्टी को दे के उनको कामयाब करें, क्योंकि 27 मार्च की जो अखनूर में जो रैली हुई थी उसमें मोदी जी ने कहा था कि जो रिफ्यूजी आवाम है उनके मसाइल हमारे दिल और दिमाग में हैं, और गवर्नमेंट बनने के बाद हम उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि यही एक सरकार है, यही एक इंसान है जिसमें एक पावर है, एक ताकत है और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, जो कोई फैसला लेने का जो जरूरत रखता है, सोच रखता है। हम चाहते हैं कि इसकी कामयाब को, इसके हाथ मजबूत करके इनको कैंडिडेट को जिता के हम लोकसभा भेजें, वो हमारी और आने वाले समय में हमारे जो मसाइल जो है वो पूरे हल करके